हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और ये तो आपको भी पता होगा कि इंडिया में सारे धर्मों में से दूसरा सबसे बड़ा माने जाने वाला धर्म यानी रिलीजन इस्लाम है। लेकिन इसके बावजूद भी आज हमारे भारत में इन दोनों धर्मों में मानने वाले लोग एक दूसरे से अलग और एक दूसरे से बेहतर होने की कसमें खा रहे हैं। जबकि अगर देखा जाए तो हिंदुइज्म और इस्लाम में बहुत सी बातें सिमिलर भी है। जैसे कि हिंदुइज्म में सबसे पहले भगवान ब्रह्मा और उनकी पत्नी सरस्वती आई थी, और वहीं इस्लाम में सबसे पहले आने वाले पैगंबर थे इब्राहिम, जिसे इब्राहिम भी कहा जाता है, और उनकी पत्नी सारा। तो क्या हम एक ही सिक्के को दो अलग अलग पहलुओं से देख रहे हैं? क्या सच में हम अलग हैं या हमें कुछ चीजें एक सी है? क्योंकि जैसे मक्का की हज में मुसलमान जाते हैं, वैसे ही हिंदुइज्म में हम तीर्थ जाते हैं, है ना? पर सिर्फ यही नहीं, इसके साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आखिर क्यों मक्का, जो मुसलमानों के लिए सबसे पाक है, वो हिंदुओं के लिए भी उतना ही पाक और पूजनीय हो सकता है, और शायद है भी। बल चलिए मिलकर लगाते हैं इसका पता मेरे यानी गौरव के साथ हमारे आज के इस वीडियो में, जिसका टाइटल है हिंदू इस्लाम सिमिलैरिटीज। अब फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि ये वीडियो सिमिलैरिटीज को दर्शाता है, और अगर आपको लगता है कि ये सिमिलैरिटीज हम में है तो यार दुश्मनी छोड़ो, भाईचारा बढ़ाते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं, ये सिमिलैरिटीज नहीं है, आप जबरदस्ती दो डिफरेंट धर्मों को चिपकाने की कोशिश करो, तो यार फाइन, दैट्स फाइन, आप उस एंगल से भी देख सकते हो। बट ये वीडियो को हम सिर्फ ज्ञान के लिए देखेंगे, यू नो, दोनों धर्मों की कुछ कुछ बातें जानने के लिए, और इससे अगर कुछ अच्छा निकलता है तो हु केयर्स, दैट्स अ विन-विन सिचुएशन, राइट? हिंदुइज्म और इस्लाम की पहली सिमिलैरिटी की बात करें तो वो है प्रॉफिट्स और भगवान के अवतार। यानी इस्लाम के मुताबिक प्रॉफिट्स अल्लाह के मैसेंजर्स थे, जो इंसान ही थे और इंसानों के बीच समाज और धर्म को बेहतर बनाकर बढ़ावा देने आए थे। ये इंसानों के बीच ही रहकर इंसानों की ही भाषा बोलते थे। और अगर हम हिंदू में देखें तो वेदों में ऋषि मुनि या संत का जिक्र हुआ है। वेदों में इन्हें भगवान का अवतार नहीं कहा जाता, परंतु ऋषियों को अधिकारी पुरुष यानी कि सुपर ह्यूमन पावर वाले इंसान जरूर कहा गया। और इनकी अवतारित होने की थियरी को स्वामी भास्करानंद ने इस तरह समझाया है कि भगवान धरती पर बस सिर्फ दो वजहों को पूरा करने के लिए अवतारित होते हैं। पहला तो लोगों को इंस्पायर करने के लिए, उन्हें सीख देने के लिए, और दूसरा उन्हें लिबरेट करने के लिए यानी आजाद करने के लिए बुराइयों से। और वो इंसानों को अपने खुद के एग्जाम्पल से इंस्पायर करते थे। यहाँ पर यह समझने की जरूरत है कि वो जन्म से ही सब कुछ जानते हैं, उन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन इंसानों को इंस्पायर करने के लिए वो एग्जाम्पल सेट करते हैं। वहीं अगर इस्लाम की बात की जाए तो इस्लाम का भी यही मानना है कि 1,24,000 प्रॉफिट्स को धरती पर भेजा गया था। बट हिंदुइज्म में तो ये माना जाता है कि भगवान खुद इंसानों का रूप लेकर यानी री इंकारनेशन से धरती पर धर्म को नई परिभाषा, नया जीवन देने आते हैं, जिन्हें हम अवतार कहते हैं। और श्रीमद् भागवत में अनगिनत अवतारों की बात की गई है। मतलब यहाँ पर श्रीमद् भागवत एक तरह से इस्लाम के लाखों प्रॉफिट्स के व्यू को सपोर्ट करता है। हालांकि इस्लाम में प्रॉफिट्स को अल्लाह का अवतार नहीं माना जाता है, वो इंसान ही होते हैं जो अल्लाह के मैसेंजर्स होते हैं बस। और इनके ये सारे मैसेजेस कुरान में है। और उसी तरह हिंदुइज्म में जब विष्णु भगवान ने कृष्ण भगवान का अवतार लिया था, तब उन्होंने भी अपनी टीचिंग्स ह्यूमैनिटी के लिए भगवद गीता में लिखवाया। लेकिन इन दोनों धार्मिक ग्रंथों से इंफॉर्मेशन निकालना, लर्निंग्स और मैसेजेस निकालना हम सभी आज के मॉडर्न जमाने के लोगों के लिए बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और ऐसे में एक महीना तक लग सकता है। बट इतना समय लगाने की क्या जरूरत है जब आप यही बुक्स कुकू एफएम में सुन सकते हो। यस, कुकू एफएम में भगवद गीता ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल है। यही नहीं, अगर आपकी क्यूरियोसिटी और ज्ञान की प्यास यहाँ पे भी नहीं बुझती है, तो यहाँ पर वैरायटी ऑफ जॉनर्स है, जैसे फॉर एग्जांपल सेल्फ हेल्प, मोटिवेशन, फाइनेंस, लिटरेचर, करियर, लीडरशिप, बिजनेस एंड इवन एकेडमिक्स लाइक हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। ये सब आपको यहाँ पर ऑडियो फॉर्मेट में मिल सकता है। अब फ्रेंड्स, क्योंकि आप गेट सेट फ्लाई चैनल्स के व्यूअर हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की जरूरत है कि नॉलेज की वैल्यू क्या होती है। और इसीलिए यहाँ पर टीम गेट सेट फ्लाई ने मिलकर टीम कुकू एफएम के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑफर आपके लिए लाया है। इस दिवाली कुकू एफएम का ईयरली सब्सक्रिप्शन आपको सिर्फ 199 रुपीज में मिलेगा। जस्ट इमेजिन, 199 रुपीज का तो यार पिज्जा भी नहीं आता है, उतने में आप पूरे साल भर कितना नॉलेज ग्रहण कर सकते हो, एंड एज अ रिजल्ट अपनी लाइफ को और ज्यादा हैप्पी और सक्सेसफुल भी बना सकते हो। So click on the link in the description and use the coupon code Diwali50 to avail this 50% off, और इस दिवाली ज्ञान का दिया जलाना मत भूलना। So अब
कमिंग बैक टू द टॉपिक, पर फ्रेंड्स अब अगर इन दोनों ही धर्मों की मान्यताओं की बात करें तो हिंदुइज्म में भगवान को आप दो कॉन्सेप्ट से समझ सकते हो, जिसमें एक है सगुण ब्रह्मन और दूसरे पर है निर्गुण ब्रह्मन। और भगवान को पाने के लिए एक इंसान को पहले सगुण ब्रह्मन यानी अपने अंदर भगवान की छवि बनानी होती है और फिर सगुण ब्रह्मन यानी इस छवि पर अपने मन को एकाग्र करके ध्यान लगाने से निर्गुण ब्रह्मन यानी कि हिंदुइज्म के मुताबिक भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। और सगुण निर्गुण ब्रह्मन के इन्हीं कॉन्सेप्ट से आइडल वर्शिप का जन्म हुआ है, यानी असल भगवान को पूजने के बजाय उनकी मूरत और उनकी तस्वीर को पूजना, जिससे आप रियल भगवान को हासिल कर सकते हो। हालांकि इस तरीके को पहले सिर्फ ध्यान लगाने के एक तरीके के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन समय के साथ ये कॉमन प्रैक्टिस बन गया जिसे हिंदुइज्म का कोर मान लिया गया है। यही नहीं, भगवत गीता में कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा था कि उन्हीं से सारी दुनिया की हर चीज बनी है, हम इंसान भी। और यही बात आपको कुरान के अर रुमह 30 के मुताबिक जानने मिलेगी, जिसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि ही हैज क्रिएटेड ऑल पीपल, यानी इंसानों को अल्लाह ने बनाया। और कुरान में आपको सगुण ब्रह्मन और निर्गुण ब्रह्मन का भी एग्जाम्पल मिल जाएगा, मतलब सभी को बनाने वाले अल्लाह के बारे में अल अनहाम 103 में ये लिखा हुआ है कि इंसान को बनाने वाला अल्लाह किसी की नजर में नहीं आते हैं, लेकिन उनकी निगाह में सब आते हैं, वो सबसे परे हैं और वो हर जर्रे में है, यानी हर जर्रे में रहने वाले अल्लाह इंसानों के अंदर भी है, जिसका मतलब है कि एक सगुण ब्रह्मन इंसानों में भी है। और इसके साथ ही यहाँ उनको सब नजर आता है ये कहकर अल्लाह ने निर्गुण ब्रह्मन होने की भी बात की है। हालांकि हिंदुइज्म की तरह इस्लाम में अल्लाह की छवि बनाना और किसी तस्वीर और किसी मूरत को पूजना बिल्कुल मना है। और सिर्फ यही नहीं, वेदांता में मेडिटेशन के 3 स्टेजेस है, धारण, ध्यान और समाधि। और वहीं कुरान में भी सच के रियलाइजेशन के 3 स्टेजेस है, ऐनल यकीन, इल्मुल यकीन और हकुल यकीन। अब हिंदुइज्म हो या इस्लाम, दोनों में ही भगवान के साथ एक होने के लिए भगवान का नाम लिया जाता है। हिंदुइज्म में से जप और इस्लाम में से जिक्र कहा जाता है। कुरान के मुताबिक जिक्र 2 तरीके के होते हैं, जहरी जो आप जोर जोर से बोलकर करते हो और खाफी जिसमें आप धीमी आवाज में बोलते हो। लेकिन सूफिज्म में जिक्र का तीसरा तरीका भी होता है जिसे सुल्तान उल अस्कर कहते हैं। इसमें अल्लाह का नाम जुबान से बोलने की जरूरत नहीं होती, आप दिल में अल्लाह का नाम लेते हो। वहीं हमारे हिंदुइज्म में जप को 3 तरीकों से किया जाता है। इसमें सबसे पहले आता है वाचिका जप, जिसमें आप जोर जोर से भगवान के नाम को याद करते हो। दूसरा है अपमशु जप, जिसमें आप होठों से भगवान का नाम कुछ इस तरीके से लेते हो कि सिर्फ बोलने वाले को यानी आपको सुनाई दे। और तीसरा तरीका है मानसा जप, जिसमें आप बिना जुबान और होठों को हिलाए अपने मन में भगवान का नाम लेते हो। अब इन तीनों ही तरीकों में से मानसा जप अपमशु जप से बढ़कर और अपमशु जप को वाचिका जप से बढ़कर माना जाता है। अब फ्रेंड्स, क्या आपको याद है मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा था मक्का सिर्फ मुसलमानों और इस्लाम में यकीन करने वालों के लिए नहीं बल्कि हिंदुओं के लिए भी एक पवित्र जगह है। और इसकी कहानी कुछ ऐसे है कि मक्का, जहां पर इस्लाम को मानने वाले हज पर जाते हैं, वहां एंशियंट वैदिक स्क्रिप्चर हरिहरेश्वर महात्म्या ने ये कहा है कि एकम पादम गाययान्तु मक्कायान्तु द्वितीयाकम तृतीयम स्थापितम दिव्यम मुक्त्याय शुक्लास्य सनिधाउ, याने भगवान विष्णु के पैरों का निशान 3 जगह पे पड़े थे, जिनमें से एक था गया, दूसरा था शुक्ल तीर्थ और तीसरा और आखिरी था मक्का। और हालांकि इस्लाम में जैसे मैंने बताया था आइडल वर्शिपिंग की मनाही है, पर ब्लैक काबा स्टोन को वो पवित्र मानते हैं, जिसे वो हजरे अस्वद कहते हैं। और इसके अलावा भी आप अगर देखोगे, जैसे हिंदुओं में भगवान की प्रदक्षिणा करने का रिवाज है, बिल्कुल उसी तरह काबा में भी पिलग्रिम्स काबा के स्टोन के 4 बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चक्कर लगाते हैं। और जिस तरह इस्लाम में हज होता है, उसी तरह हम हिंदुओं में तीर्थ यात्रा होती है। लोग अपने भगवान को देखने के लिए, अपनी तकलीफों को भगवान से बांटने के लिए घर बार छोड़कर 4 धाम की यात्रा से लेकर कई तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं। और वहीं पर जहां पर हिंदुओं में दान धर्म का चालन है, वैसे ही इस्लाम में भी ज़कात का चालन है। लेकिन जहां पर हिंदुइज्म में दान को वैदिक पीरियड से दिया जाता है, हिंदू लोग दान को बिना किसी एक्सपेक्टेशन के करते हैं, वहीं पर ज़कात, जिसका मतलब टू क्लेंस है, वो अपने धन दौलत को प्यूरिफाई, इंक्रीज और ब्लेस कराने के लिए करते हैं। लेकिन इन अच्छी चीजों के साथ कुछ ऐसी गलत चीजें भी है जो हिंदुइज्म और इस्लाम दोनों में ही फॉलो होती है, जिसका एक बड़ा एग्जाम्पल है पेट्रियार्ची, यानी घर से लेकर समाज तक हर जगह सिर्फ आदमियों को ही आगे रखा जाता है। लेकिन समाज का ये दोगलापन हमेशा से नहीं चला आ रहा है। इस्लाम में औरतों को बहुत ही रिस्पेक्ट दी जाती है और कुरान में माओं को सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट देने की बात भी कही गई है। इनफैक्ट आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस्लाम ऐसा पहला धर्म है जो औरतों को समाज में बराबर का दर्जा देता है। इनफैक्ट अगर मुस्लिम
फिगर्स में हम खारिजा की बात करें, जो मोहम्मद पैगंबर की पत्नी थी, वो खुद एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और असर्टिव बिजनेस वुमन थी। यानी आज इस्लाम में औरतों को जुम्मा में बोलने ना देने से लेकर इमाम सिर्फ मर्दों को बनाने तक, नमाज पढ़ते वक्त मर्दों के पीछे बैठने से लेकर हर जगह औरतों को मर्दों के पीछे ही बिठाने तक का रिवाज आज के समाज में बनाया गया है, जो कुरान की असली बातों की जगह पे अपने फायदे के लिए कुरान में लिखी बातों का मतलब बदल देते हैं। अब आज के जमाने से कंपेयर नहीं कर सकते हो। उस जमाने में फिजिकल स्ट्रेंथ और मैस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक्स का ज्यादा रोल होता था, और आज के जमाने में दिमाग का ज्यादा रोल है, सिंपली बिकॉज वी आर सराउंडेड इन अ कॉर्पोरेट कल्चर। सो उस जमाने में इस्लाम वॉज वन ऑफ द रिलीजियंस जो फीमेल्स को लेकर भी लिबरलाइजेशन स्टार्ट करने लगा। और अब अगर हम हिंदुइज्म में पेट्रियार्की की बात करें, तो हिंदुइज्म में भी आपको इस्लाम की तरह हर पंडित आदमी ही दिखाई देंगे, और शायद ही आपको कहीं आदमियों जितनी फीमेल पंडित देखने को मिले। यही नहीं, समाज में होने वाले सारी ही चीजें आपको मर्द के सहूलियत और औरतों की दिक्कत के पहाड़ के खड़े मिलेंगे। लेकिन कुरान की तरह हिंदुइज्म में भी पेट्रियार्की आज इंसानों ने ज्यादा भरी हुई है, क्योंकि पुराणों के मुताबिक सती और पार्वती ने अपने पतियों को खुद चुना था। महाभारत में लक्ष्मी जी ने अपने पति विष्णु को इसीलिए छोड़ दिया था क्योंकि उनके साथ आदर के साथ व्यवहार नहीं किया गया था। और इसी तरह गंगा और सरस्वती ने शादी करने के लिए शर्तें तक रखी थी, जो आज की औरतों के लिए पॉसिबल ही नहीं है। इसके अलावा आपको स्वयंवर का कॉन्सेप्ट पता था, जिसमें लड़कियां चुनती थी अपना पति, वो भी सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे केपेबल। अब फ्रेंड्स, वंस अगेन हिंदुइज्म में भी आपको काफी सारे एपिसोड्स मिलेंगे जहां पर आपको पेट्रियार्की दिखाई देगी पुराने काल में। बट देन वंस अगेन, कम ऑन मैन, ह्यूमंस का डेवलपमेंट ही ऐसे हुआ है कि पहले पेट्रियार्की एग्जिस्ट करती थी काफी हद तक, और रिलीजियंस ने कई हद तक उसे लिबरलाइज करने की कोशिश की, या फिर उस जमाने के पुराने विचारों में जितना बेस्ट हो सके वो डेवलपमेंट्स लाने की कोशिश की। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आज जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो पहले से कम या ज्यादा थे। आज हम जो डेवलपमेंट्स कर रहे हैं वो आज की सोच के हिसाब से कर रहे हैं, उस समय जो हम डेवलपमेंट कर रहे थे उस समय की सोच के हिसाब से कर रहे थे। अब मेरा पर्सनल ओपिनियन अगर आप जानना चाहते हो, तो आप ऑलरेडी जानते हो कि मैं किसी भी रिलीजन में एज इन भगवान की कही हुई बात नहीं मानता। मैं समझता हूँ कि रिलीजन को इंसानों ने ही बनाया है और इंसानियत की भलाई के लिए, और उसमें कुछ उनके डेवलपमेंट्स ने इंसानों का भला किया और कुछ ने नुकसान भी। बट यार, यही तो इंसान होना है। मतलब अगर हम अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगे तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे। और गलतियां करना छोटा होना नहीं हो जाता है, बल्कि इट इज अ सेंस ऑफ प्राइड कि इंसानियत कोशिश कर रही है आगे बढ़ने की, और वो कोशिश हमें आज दिखाई दे रही है। हम उस जमाने से लेके आज तक कितने एडवांस हो चुके हैं। एंड प्लीज डोंट गिव मी दैट कि उस जमाने में लोग ज्यादा खुश थे, आज लोग ज्यादा दुखी है। Well, उस जमाने में लोग ही कितने थे, आज लोग बिलियंस में है और अच्छे खासे लोग खुश है अपनी जिंदगी से, ज्यादा सेटिस्फाइड है, उनकी क्वालिटी ऑफ लिविंग अच्छी है। डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम्स है आज जिससे हम जूझ रहे हैं, बट वो प्रॉब्लम्स उस जमाने में भी हुआ करती थी। सो लेट्स नॉट डीमोरलाइज आवरसेल्व्स बोल के कि यार हम तो नर्क में आ गए, हालात बद से बदतर हो गई है, वगैरह वगैरह। एनीवे फ्रेंड्स, कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब मैं आपको बताने वाला हूँ उस दर्दनाक सिमिलैरिटी के बारे में जो हिंदुइज्म और इस्लाम में पुरातन काल से चली आ रही है, यानी एनिमल सैक्रिफाइस की। तो हिंदुओं में बलि देने का कॉन्सेप्ट पुरातन काल से ही चला आ रहा है, जिसे आज भी भारत के कई बड़े छोटे राज्यों में जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र, आसाम, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका वगैरह में लोग मानते हैं। इसमें पिजन, चिकन, मेल बफलो, गोट एक्सेट्रा की बलि चढ़ा दी जाती है। महाभारत में दर्ज अश्वमेधा एक ऐसी रिचुअल थी जिसमें इंसान घोड़ों की बलि चढ़ाया करता था। वहीं अगर हम बात करें एक इस्लामिक कंट्री जैसे पाकिस्तान की, तो ईद में वहां पर 1 करोड़ जानवरों की बलि चढ़ा दी जाती है। और मुसलमानों में बकरी से लेकर गाय और ऊंट की शुरुआत इब्राहिम यानी इस्लाम के सबसे पहले पैगंबर ने अपने बेटे को कुर्बानी से बचाने के लिए की थी, जिसकी नकल करते हुए आज हर मुसलमान ईद में जानवरों की कुर्बानी देते आ रहा है। और इस बलि के 3 हिस्से होते हैं, जिनमें से पहला सैक्रिफाइस देने वाला परिवार अपने खाने के लिए रखता है, दूसरा फ्रेंड्स और रिश्तेदारों को देता है, और तीसरा गरीब मुसलमानों को। लेकिन अपना पेट भरने के लिए भगवान के द्वारा बनाए गए मासूम जानवरों की जान लेना, वायलेंस और एग्रेशन दिखाना आज के तारीख में शायद सही नहीं माना जा सकता। और यहाँ पर शायद दोनों ही धर्म एग्रेशन को थोड़ा कम कर सकते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? और क्या आपने कभी सोचा था कि हिंदुइज्म और इस्लाम के बीच में सिमिलैरिटीज भी हो सकती है अगर आप इसे एक सर्टेन पर्सपेक्टिव से देखो तो? इसका जवाब आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में देना। वंस अगेन फ्रेंड्स, मैंने आपको बस एक नजरिया दिया चीजों को देखने का। आई नो अगर दो रिलीजन में सिमिलैरिटीज है तो काफी डिफरेंसेस भी है, लेकिन यार जो उन्हें फॉलो कर रहे हैं ह्यूमंस, होमो सेपियंस, वो लोग तो एक ही है ना। मतलब सिर्फ दो बिलीव्स की वजह से इंसान इतना अलग कैसे हो जाता है? गाइस, हमें ये बात को समझना चाहिए कि हमारे बिलीव्स में भी अलग हो, लेकिन एट द एंड साइंस के आंखों में हम है तो एक ही प्रजाति के जीव, जिन्हें एक दिन मिलकर इस पृथ्वी को और ह्यूमन स्पीशीज को अर्थ से किसी दूसरे ग्रह में लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि अर्थ इज नॉट हियर टू स्टे, बट वी ह्यूमंस कैन इफ वी यूनाइट एज वन।
With that said, friends, अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना, Get Set Fly Fact चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबा दो ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। और हाँ फ्रेंड्स, जाने से पहले इस दिवाली कुकू एफएम के 50% ऑफ ऑफर का फायदा उठाना मत भूलना। ज्ञान का दिया जलाना शुरू करते हैं, बुक रीडिंग शुरू करते हैं विद कुकू एफएम। क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, डाउनलोड इट फॉर जस्ट 199 rupees पर ईयर। विद दैट सेड, एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।